मेरा नाम डॉक्टर नाजिश भट्ट है, मैं हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची पाकिस्तान में, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। इस साल हमने लाहौर में 39th एनुअल कॉन्फ्रेंस अरेंज करी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, जो कि प्रोफेसर इसरारुल हक तूर साहब ने और प्रोफेसर गयासुल नबी तैयब साहब ने अरेंज करी है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये स्टार्ट हो गई थी वेनसडे से, और इसके अंदर दो दिन जो शुरू के थे उसके अंदर इंडोस्कोपी की वर्कशॉप थी, जिसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट प्रोसीजर्स जो हैं वो लाहौर के अंदर कराए गए हैं, जो इससे पहले पाकिस्तान में वो प्रोसीजर्स नहीं करवाए गए। इन इंडोस्कोपी वर्कशॉप का जो मकसद था वो बेसिकली ये था कि लोगों को ट्रेन किया जाए, पाकिस्तानी के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, यंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनको ट्रेनिंग दी जाए लेटेस्ट इंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के, ताकि वो अपनी ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है उनको हेल्प कर सकें। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स शामिल हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी का कम्बिनेशन है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी से रिलेटेड है उसको ब्यूटीफुली इस पूरी कॉन्फ्रेंस में कवर किया गया है। और मैं सबको इनक्रेज करना चाहूँगी, यंग रेजिडेंट्स को, डॉक्टर्स को, फिजिशंस को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, कि वो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो भी होती हैं पाकिस्तान में उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि वो अपनी नॉलेज को इनक्रीज़ कर सकें। थैंक यू।